साईनाथ महाराज की जय। आपको बाबा के दर्शन कराते और नया वर्ष की शुरुआत करते हैं। बता वो अंदर पैसा छोटा वाला ही पैसे बनाया हो ना रसी है पैसे वही है पहले लेफ्ट और राइट से बनाया हुआ ना। मीठा बना रही हूँ तो आज जो मैं मीठा बना रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये चने, ये मैंने इनका छिक्कल उतार लिया है। इसमें कितना कैल्शियम आयरन और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं तो मैंने इधर चने लिए हैं। और इधर मखाना तो गुणों की खानी है, बहुत ही इसमें ज़्यादा ताकत होती है और वही हमारे चने में ताकत होती है। तो आज इससे मैं कुछ बनाऊँगी मीठा। तो सबसे पहले हम मखाने लेंगे और मखानों को रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है और इसी में मैं अपने मखाने डाल दूँगी और मखानों को रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि चने तो हमारे पहले से ही रोस्ट हैं। अगर आपके पास चने इस तरह से छुक्कल छुटे हुए नहीं हैं तो मेरी तरह आप छुक्कल छुटा सकते हैं और या फिर बाज़ार से रेडीमेड जो मिलते हैं छुक्कल छुटे हुए वो ला सकते हैं। तो मैं मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। फिर मखानों को हमें मिक्सी जार में पीस लेना है और इधर जो मेरे चने हैं उनको भी हमें पीस लेना है। अब मखाने मेरे भुनना है इसीलिए मैं थोड़े से ये काजू और बादाम भी रोस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने आधा कप गेहूँ का आटा डाल दिया है और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से घी डाल के चला के, जब तक कि इसमें बहुत अच्छा सा अरोमा नहीं आएगा। अभी मैं इसमें घी थोड़ा सा और डालूंगी। तो आप देख सकते हैं कि आटे का कलर कैसा हो गया है और किस तरह का आटा था और किस तरह का हो गया। तो इसी तरह से हमें भूनना है आटे को और इसमें से बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मखानों को पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने चनों का भी ये पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने आटा भुना था उसमें मैंने चने भी पीस कर मिला दिए हैं और इसी में हम मिला देते हैं ये मखाने का पाउडर और फिर देखते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत हेल्दी से लड्डू और वो भी मखाने और चनों से। आप भी सोच रहे होंगे ये मखाने और चने ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनते हैं। आप इसमें मीठे के लिए खजूर भी पीस कर मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुड़ वाले। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो अभी हम इसमें घी और मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी मिक्स कर दिया है ये। अब इसको मेल्ट होने देंगे और थोड़ी देर और भून लेंगे और फिर इसको ठंडा करके ही इसमें हम शुगर ऐड करेंगे या गुड़ जो भी ऐड करेंगे वो ठंडा होने पर करेंगे, नहीं तो ये फिर बनेंगे नहीं लड्डू और ये सारे जो शुगर है वो मेल्ट हो जाती है तो ये बन नहीं पाते। इसलिए हम इसको पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसी में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं ये और अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मैंने ये गुड़ की शक्कर उसमें ऐड कर दी है
ये गुड़ की शक्कर है जो गुड़ की बनी हुई होती है। आप इसमें बूरा भी ऐड कर सकते हैं जो चीनी की होती है, या चीनी पीस कर भी, या फिर गुड़ को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं लड्डू में। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल टेस्टी से लड्डू, हेल्दी से, जो कि मखाने और चने से बने हैं। अगर आपके पास सारे ड्राई फ्रूट नहीं हैं तो मखाने और चने और थोड़ा सा आटा मिक्स करके भी आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। तो मैं तो अपने नए साल का स्वागत आप सबके लिए लड्डू खिलाकर कर रही हूँ। आप भी बताइए आपने कैसे किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।